नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन आज हंगामेदार माहौल में संपन्न हुआ, जहां शहर हित में 25 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। साथ ही कांग्रेस पार्षद द्वारा डीलन भूखंड मामले को उठाया गया, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने सभी पार्षदों की सहमति से प्रस्ताव पास करते हुए सीएमओ को निर्देशित किया कि नगरपालिका इस मामले में याचिका लगाए। वहीं बैठक में भाजपा नेता संतोष पंजाबी के अवैध दुकान निर्माण सहित शहर में अवैध घुमटियों की गूंज जमकर गूंजी। इस मामले में जहां कांग्रेस पार्षदों ने अवैध दुकान निर्माण को हटाने की मांग की, तो वहीं भाजपा महिला पार्षद ने भाजपा नेता संतोष पंजाबी के अवैध अतिक्रमण को नहीं हटने देने की बात कही, जिस पर परिषद में हंगामेदार माहौल हो गया और भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। देखिए नगर पालिका के विशेष सम्मेलन का हंगामेदार माहौल। Thank you.
परिषद में सर जिनके प्रस्ताव है, मैं सबसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, इस परिषद के 8-10 महीने बचे हैं और इतने अच्छे प्रेम से परिषद चली है, तो कोई आपस में विवाद न करे, एक दूसरे को बोलने हालांकि पूरे मामले में खुद नपा अध्यक्ष से लगाकर सीएमओ संतोष पंजाबी के दुकान निर्माण को अवैध बता रहे हैं और हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि जिसके चलते भाजपा नेता संतोष पंजाबी का अवैध दुकान निर्माण लंबे समय से हटाया नहीं जा रहा। धीरे धीरे यह अवैध दुकान निर्माण नपा अध्यक्ष व सीएमओ के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आज नगर पालिका परिषद के शहर के विकास के प्रस्ताव थे जो सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पारित किए हैं। देखो, कोई भी गुमटी हटाना और कोई अतिक्रमण हटाना ये प्रशासकीय व्यवस्था है और मुख्य नगरपालिका के अधीन आती है, उनको ये कार्य करना चाहिए। एक गरीब आदमी का अतिक्रमण जो तुरंत हटा देती है, तो आप खुद मानते हैं कि नगरपालिका की कार्यप्रणाली कहीं संदेह के घेरे में अभी वर्तमान? मेरे द्वारा कई बार निर्देश दिए हैं कि जो भी शहर में अवैध अतिक्रमण होता है, रास्ते रोकने के प्रयास होते हैं, तो उनको तत्काल हटाना चाहिए। संतोष पंजाबी वाले दुकानें निर्माण है और कोई भी असर नहीं दिखा दे रहा। कई बार आप लोगों का जवाब सीएम और अध्यक्ष साहब का एक ही जवाब आता है, हम दिखवाते हैं, क्योंकि आप मानते हैं असक्षम में नगर पालिका जानबूझकर भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है? ये कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है, आप ये प्रश्न उन्हीं से पूछे तो वो ठीक से इसका जवाब दे पाएंगे। मेरे द्वारा इसमें कई बार निर्देश दिए हुए हैं।